Hey guys, it's me Anjali. I'm at Bandra Hill Road. I came here for shopping. So let's shop together. Guys, denim skirt is so into trend right now. And this is the shop I saw the moment I entered in the market. This is right opposite to the Mark and Spencer. सो जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे ये वाली शॉप से आपको बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी. ये बेल्ट की शॉप बहुत फेमस है. यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी के बेल्ट मिलते हैं एंड एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ रिद्धि आर्ट ज्वेलरी. दिस इज़ माय फेवरेट शॉप टू शॉप एनी ज्वेलरी आइटम. दिस भैया हैज़ वेरी कम्फर्टेबल ट्रैक पैंट्स एंड बेसिकली मैं यहाँ पे ज्वेलरीज के लिए आई थी. आई मीन नवरात्रि एंड दिवाली के ज्वेलरीज के लिए. बट मुझे इतनी अच्छी ज्वेलरीज मिली नहीं यहाँ पे. आई मीन मिली बट बहुत ज़्यादा महंगी थी एंड ये लोग बार्गेन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे. यहाँ पे टॉप ड्रेसेस एंड टी शर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे थे. मैंने यहाँ से एक टॉप लिया था जो मैं लास्ट में आपको वीडियो में दिखाऊँगी. टॉप लेने तो मैं गई नहीं थी बट ले लिया. एंड वहाँ पर ही सेम शर्ट भी बहुत अच्छे अच्छे थे. अभी जैसे ट्रेंडिंग में है लॉन्ग लेंथ में शर्ट, तो शर्ट भी बहुत अच्छी थी. रेंज 200, 500 एंड 300 की रेंज में सब कुछ था यहाँ पे. ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छे थे एंड टॉप स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा था. ये शॉप है जहाँ पे मैं जाती हूँ, मतलब जब भी जाती हूँ बैंड्रा में वहाँ पे जाती हूँ. बट इस बार मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि मैं अंदर गई तो देखने बट मुझे कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगा. ये सेम शॉप में अंदर इनके पास ज्वेलरीज भी है, फुटवेयर है, जीन्स की शॉप है अलग से. बट मुझे ज्वेलरीज भी नहीं अच्छी लगी, प्लस मैं बार्गेन के मूड में थी बट बार्गेन कोई कर नहीं रहा था. तो मुझे सच में ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज लेनी थी. जहाँ पे भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज दिख रही थी मैं खड़ी हो जा रही थी. कलेक्शन भी इवन अच्छा था, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन एक्सपेंसिव था थोड़ा तो मुझे जमा नहीं, मैंने नहीं लिया. एंड मैं एयरपॉड्स के कवर भी देखा मैंने वहाँ पे, 200 और 250 की रेंज में अच्छा अच्छा था. ऊपर ये नेम लिखा है, ये है वो शॉप जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. मतलब अच्छा शॉप है बट इस टाइम कलेक्शन अच्छा नहीं था. गाइस, धूप तो इतनी नहीं थी बट जो वेदर था बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी. और ये वाली लेन आप जो देख रहे हो ये बहुत फेमस लेन है या फिर एरिया बोल सकते हो. यहाँ पे शॉप्स हैं ऐसे वन बाय वन करके, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती हैं बट काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं. आई मीन आपको ट्रेंडी चीज़ें मिलेंगी. तो ये वाली लेन में आप ज़रूर आना, जब भी आना. ऐसे अच्छे अच्छे शॉप्स हैं बाहर. टी शर्ट के सेल लगे होते हैं 250 के, 300 के. एंड ड्रेसेस काफ़ी अच्छी होती हैं यहाँ पे. कोरियन टी शर्ट टॉप आपको मिल जाएगा. ये हिल रोड का एंड है बिल्कुल, जहाँ पे मार्केट ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे बट ऐसा कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो जस्ट देख के हम रिटर्न आ गए वहाँ से. हिल रोड पे ना पैंटलून है. वहाँ पे राइट साइड में ये जो चप्पलें आप देख रहे हो, राइट साइड में एक भैया है वहाँ पे लेके बैठते हैं. बहुत बड़ी शॉप है इनकी. तो यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ में चप्पल, स्लीपर, हील्स और डेली वेयर के लिए, मतलब बहुत अच्छी वैरायटीज़ होती हैं. गाइज, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ जब भी मैं हिल रोड आती हूँ, ये लेन मेरी फेवरेट लेन है. यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शंस होती हैं. हर बार जब भी मैं आती हूँ हर बार नया होता है. तो आई रियली वॉन्ट टू रिकमेंड कि आप जब भी हिल रोड आओ आप ये वाली लेन में ज़रूर जाना. यहाँ पे आपको, आप पूरा मार्केट एक्सप्लोर नहीं करोगे बट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ये भैया यहाँ पे चप्पल बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, हील्स बहुत ट्रेंडी मिलती है. ये कभी वीडियो बनाने नहीं देते. देखो मेरा कैमरा बोले नीचे करो, और कोई बात नहीं. तो आगे आप जैसे चलते जाओगे ना बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स मिलती हैं. यू जस्ट नीड टू बार्गेन. ड्रेसेस, टी शर्ट, टॉप, इवन बॉडीकॉन ड्रेसेस भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे. टी शर्ट्स भी 200 के टी शर्ट्स, ये ट्रेंडी बैग्स, आई मीन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ये वाली लेन में मिलेंगी. हाईली रिकमेंडेड. ये जो अंदर शॉप देख रहे हो आप, ये शॉप भी मेरी फेवरेट है. यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं. आप एक बार ज़रूर जाना अंदर.
थोड़े बहुत होप के साथ हम हिल रोड से लिंकिंग रोड जा रहे हैं अभी, लेट्स सी। जहाँ भी मुझे इयररिंग्स दिख रही थी, मैं सिर्फ खड़ी हो जा रही थी देखने के लिए, बट गाइज मुझे लिंकिंग रोड पे भी कुछ अच्छा नहीं मिला इस बार। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो वही पुराने ही घिसे पिटे कलेक्शंस, घिसे पिटे वो फेस्टिव कलेक्शंस सब रखे थे, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मैंने कुछ भी नहीं लिया। यू ऑलरेडी हैव सीन ऑल द थिंग्स इन द वीडियो। तो फ्रेंकली इस बार मुझे जिस मूड से मैं गई थी हिल रोड या फिर लिंकिंग रोड, मुझे वहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ दिख ही नहीं रहा था गाइज। मैं पूरा इंडियन आउटफिट और नवरात्रि के हिसाब से गई थी, बट मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा, पता नहीं। तो मैंने सिर्फ वहाँ से एक या दो चीज़ें ली हैं, अभी दूसरी मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। एक चलो ये दिखा देती हूँ, एक नॉर्मल सा एक ट्रैक पैंट है ब्लैक कलर का, 200 रुपीज़ का सिर्फ ये ट्रैक पैंट लिया। और सेकेंड मैंने एक ज्वेलरी ली वहाँ से, वो ये है, ये कफ मैंने वहाँ से लिया, ये कुछ 100 रुपीज़ का था आई थिंक, या ये 100 रुपीज़ का मिला मुझे। और थर्ड मैंने वहाँ से लिया था, क्या लिया था, या थर्ड मैंने ये लिया था वहाँ से जो मैंने अभी पहन के रखा है। तो ये एक टॉप है, प्यारा सा ऑलिव कलर में ये टॉप है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉप। और ये इसका नेक कुछ ऐसा है, तो आपको अंदर, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंदर, आपको कुछ ब्लैक कलर का स्पैगेटी और समथिंग पहनना पड़ेगा। यहाँ पे इसको ऐसे नॉट है, फुल स्लीव है, प्योर कॉटन, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहली बारी मैं ट्राई ऑन वीडियो आपको साइड में दिख रही होगी, कुछ वैसा दिखता है ये। तो मुझे बहुत पसंद आया टॉप, ये मुझे 500 का मिला आई थिंक, इसमें दो नॉट है, बहुत प्रिटी है। टॉप ना ये बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऑफिस वेयर कहीं भी पहन के जा सकते हो, बहुत खूबसूरत सा टॉप है ये। तो ये एक लास्ट मैंने ये लिया था, आई डोंट नो क्यों, पहले मैं जाती थी ना हिल रोड या फिर लिंकिंग रोड, मैं ऐसे भर भर के शॉपिंग लेके आती थी। और जब भी मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी मम्मी से ना छुपाती थी चीज़ें कि वो देखेगी तो बोलेगी इतना सारा क्या खरीद के लेके आई है वहाँ से। मैं बहुत शॉपिंग करती थी हिल रोड से, बट पता नहीं क्या है कि अभी वो लोग ना बार्गेन, या फिर मुझे आता नहीं है, वो लोग करते नहीं है अभी, बार्गेन के मूड में नहीं थे वो लोग, और मुझे कुछ वैसा अच्छा भी नहीं लग रहा था जिसके लिए मैं खड़ी होकर बार्गेन करूं। तो ये बस यही लिया मैंने अभी, और कुछ भी नहीं लिया। तो ब्लॉग में आपने देखा ही कि क्या क्या है, कैसा है, सब बकवास करी है मैंने। और ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू गाइज़। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।